तो गाइस इस गेम में ना अभी मुझे लेवल का मिला है, अच्छे वाले लेवल का भी कंस्ट्रक्शन का काम। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मुझे बहुत हाई लेवल की वो सीमेंट वाली मशीन मिली है, जो कि बिल्डिंग में जितने भी दीवारें होती हैं उनको सीमेंट के साथ भरने के लिए वो हाई लेवल की बिल्डिंग में ना ये मशीनरी ही यूज़ की जाती है। अदरवाइज जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के इसी तरह के, यानी कि हाई लेवल का काम है ना, वो मजदूर शूज वाला कोई चक्कर नहीं होता भाई, ये मशीनरी ही सारा काम करती है, मशीनरी ने सभी कुछ करना होता है। तो भाई मुझे ना इसी लेवल का कुछ सीन मिला, तो इस गेम के ये पार्ट में मैं आज यही करने वाला हूँ कि भाई नई से नई यानी कि स्टार्टिंग से बिल्डिंग का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये बिल्डिंग की शुरुआत होती है एक पिलर, जितने भी नीचे ज़मीन के अंदर पिलर होते हैं जो मजबूती होती है, इन्हीं पिलर के बीच इन्हीं पिलर के साथ जो है ना मजबूती होती है पूरी बिल्डिंग की। सो खैर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। अभी इसका आपका भी जो है ना इसे डाउन कर रहा है अभी थोड़ा सा, इसे पहले खोलते हैं ना, तो खोलने के बाद इसे डाउन करेंगे फिर जाके इसकी जो है ना वो सेटिंग बनेगी। ये काफ़ी ज़्यादा पूरी लेंथ है, लेकिन इस साइड से वो पूरी सामने वाली साइड पे तो नहीं जा सकती। पहले मैं जो पास पास में पिलर है यानी जहाँ तक इसकी रेंज है सीमेंट फेंकने की, मैं वहीं तक इसे यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे मशीनरी जो है वो दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगी। खैर यहाँ पर तो मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर सीमेंट फेंकना। एक तो खैर पिलर कम्प्लीट हो गया है समझ ले, ये देखो ना गोल वगैरह मुझे देख रहा है वो देने को कम्प्लीट मतलब करने को मिल रहा है ना, तो खैर ये तो फाइनली कम्प्लीट होने वाला समझ ले, हो गया। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फाइनली ये तो कंप्लीट हो गया समझ ले। अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ तो बहुत बढ़िया जा रहा हूँ भाई। अच्छा अगर मैं वीडियो थोड़ी ना तेज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम आपका जो है ना इतना ज़्यादा ना हो, तो खैर इसलिए मैं थोड़ी वीडियो तेज़ कर दिया, एडजस्टमेंट कर लेना। सो इस लेवल में ना हमें इस गेम के इस लेवल में हमें यही काम करने को मिलता है, ठीक है, और यही मशीनरी यूज़ करने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पहले ये काम करना होता, फिर अभी मैं ना दूसरी साइड पे जाऊँगा, और दूसरी साइड पे जाकर भी आपका भी ना जो यही काम करने वाला है, क्योंकि इसके इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है, ठीक है। मैं इसी करीबी पिलर के साथ ना मतलब मैं ये भर रहा हूँ। खैर से फटाफट से कम्प्लीट करते हैं ये साइड, तो खैर ये पिलर भी कम्प्लीट हो गया है, तो फटाफट से भाई से थोड़ा सा ना क्लोज करते हैं, और मुझे लगता है मुझे दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा अभी। वैसे ये दो पिलर तो खैर पड़े ही हुए हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को तेज़ किया हुआ है, एडजस्टमेंट कर लेना। इन्हें बराबर से कंप्लीट करते हैं यार, समझ नहीं आती क्योंकि इस मशीन को चलाना ना बड़ा मुश्किल सा काम है, तो खैर चलानी तो पड़ेगी ना, मतलब अब कंप्लीट तो करना पड़ेगी ना। खैर ये भी वैसे पिलर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसे कंप्लीट कर दिया, तो अभी नेक्स्ट। खैर अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी तरफ, यानी क्योंकि यहाँ से उस गाड़ी की तरफ से ना मतलब सामने से मतलब ये इसकी जो ये वैक्स है ना इतनी दूर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मुझे जो है ना मशीनरी अपनी जो है ना दूसरी तरफ लेके आना पड़ी है। तो खैर जो भी है ये देखो ना, ये बस इसी पिलर की तरफ, बस इसी पिलर की तरफ मतलब आ रहा है ना, मतलब इतनी दूर तक उधर से नहीं आ रहा था। खैर ये भी कम्प्लीट हो गया समझ लेके यार, ये 50% ना ये सारा कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी समझ लो कि इसके ऊपर बिल्डिंग जो है ना मैंने खड़ी करनी है बस, दैट्स वाई। ओके तो ये सारे पिलर कंप्लीट, नीचे से भी सारा कंप्लीट हो गया, बस यही रह गया था थोड़ा सा वो भी कंप्लीट कर दिया। तो फाइनली भाई मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ मिल चुका है ऑलरेडी।